नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेटलॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम ऐसे इंपोर्टेड बुल की बात करेंगे जो जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है और जिसकी ब्लड लाइन बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट है। मतलब इस बुल से आपके फार्म पर इन ब्रीडिंग होने के चांसेस बहुत कम है। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं बुल की डिटेल से। आज हम जर्मनी के हाई वैल्यू ट्रेड वाले बुल के बारे में बात करेंगे। बात की जाए बुल की, बुल आईडी है HF2693। तो आपकी स्क्रीन पर बुल का सारा डाटा शो हो रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल को समझेंगे। बुल की डेट ऑफ बर्थ है 15/6/2014। ये बुल जर्मनी कंट्री से इम्पोर्ट किया गया है। देन नेक्स्ट है इस बुल का GRZG, मतलब टोटल मेरिट इंडेक्स, वो है 137। मतलब ये बुल जर्मनी के 0.5% टॉप के बुल में से एक बुल है। इस बुल के सभी ट्रेड्स काफ़ी अच्छे हैं और इसकी डॉटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी सभी ट्रेड्स में। देन ये है बुल की फ़ोटो। देन इसके नीचे कुछ हाइलाइटेड पैरामीटर्स लिखे गए हैं जो इस बुल की क्वालिटी को शो करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत से पैरामीटर लिखे हुए हैं जिन पर यह बुल काम करता है। ये बुल मिल्क मैक्स करेगा, प्रोटीन में इम्प्रूवमेंट करेगा, फ्रेम को सुपीरियर बनाएगा और लॉन्जिविटी पर काम करेगा। मतलब इस बुल से आने वाली डॉटर्स फार्म पर लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहेंगी। देन बात करें इस बुल की पेडिग्री डिटेल की, ये बुल एस्प्रेडो पी, ड्रोंको एंड जेफरसन का क्रॉस है। अगर इसकी पेडिग्री डिटेल देखें तो एस्प्रेडो पी ये इसका सायर है, पर की ये इसकी दादी है, एपिक ये इसका दादा है, गोल्ड वाइन ये इसकी दादी का बाप है, वेजी 194 ये बुल की डैम है, वेजन 106 ये बुल की नानी है, ब्रोंको ये बुल का नाना है एंड जेफरसन ये इसकी नानी का बाप है। तो सारी की सारी ब्लड लाइन पैटर्नल और मैटर्नल साइड से बहुत ही। तो नेक्स्ट है बुल के सायर का डाटा। ये डाटा एस्टिमेटिंग ब्रीडिंग वैल्यू 2005 बेस की दी गई है। तो देखते हैं इसकी पूरी डिटेल को। बुल के सायर की मदर आगे आने वाली प्रोजनी में 1426 किलोग्राम मिल्क बढ़ाती है, मतलब डेली का 7-8 किलोग्राम बढ़ेगा अपनी माँ से। देन नेक्स्ट है फैट। इसकी फैट किलोग्राम में दी गई है, वो है 28 किलोग्राम। मतलब आगे आने वाली डॉटर अपनी माँ से 28 किलोग्राम और 0.1-0.2% इम्प्रूव करेगी। आगे प्रोटीन की इम्प्रूवमेंट 44 किलोग्राम होगी। नेक्स्ट है इस सायर के टाइप ट्रेट और हेल्थ एंड फर्टिलिटी डाटा दिया गया है। तो इस बुल के सायर के लीनियर ट्रेट और हेल्थ एंड फर्टिलिटी का डाटा देखा जाए तो सभी की वैल्यू 100 से पॉजिटिव में जा रही है। मतलब ये बुल हेल्थ, फर्टिलिटी एंड टाइप ट्रेट में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट डाटा है इस बुल की डैम, मतलब मदर का। तो 20/193 बुल की डैम बेस्ट लैक्टेशन मिल्क यील्ड है 14116 किलोग्राम। नेक्स्ट इसकी फैट एंड प्रोटीन परसेंटेज एंड किलोग्राम दोनों में दी गई है। फैट है 4.36% एंड 616 किलोग्राम एंड प्रोटीन है 3.49% एंड 492 किलोग्राम। अगर बुल की डैम की जीनोमिक मिल्क यील्ड देखी जाए तो वो है 2400 किलोग्राम। मतलब दूध में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि बुल के सायर और डैम की जीनोमिक वैल्यू बहुत ही अच्छी है। आगे आने वाली फीमेल जनरेशन में ये मिल्क में अच्छा जंप देगा। बात की जाए बुल की डैम के लीनियर ट्रेट और हेल्थ एंड फर्टिलिटी के डाटा की, ओनली RGR मतलब डॉटर फर्टिलिटी स्कोर 99 मतलब एवरेज है और बाकी सभी की वैल्यू 100 से पॉजिटिव में जा रही है। मतलब ये बुल फर्टिलिटी को छोड़कर बाकी सभी ट्रेट्स में काफ़ी अच्छा है। अब आ जाता है बुल का मेन डाटा जिस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है, वो है GEBV, मतलब जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, जो कि इस बुल की है। तो देखते हैं इस बुल के जीनोमिक डाटे को। तो इस बुल का जीनोमिक मिल्क यील्ड है 1718 किलोग्राम। तो इसकी डॉटर 8-9 किलोग्राम पर डे इम्प्रूव करेगी, बट रिलायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो पर डे का 5.5-6 किलोग्राम मिल्क इम्प्रूव होगा।
देन फैट एंड प्रोटीन दिए गए हैं। देन नेक्स्ट बात करें बुल के टाइप ट्रेट की, फ्रेम, लेग्स, फीट एंड अडर, सभी ट्रेट्स की एसटीए वैल्यू टोटली 100 से पॉजिटिव में है। एफएलसी मतलब फीट एंड लेग्स कंपोजिट स्कोर 120 है एंड यूडीसी मतलब अडर कंपोजिट स्कोर 125 है, जो कि बुल का पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें अडर, फ्रेम, फीट एंड लेग्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ये तो था बुल का खुद का, माँ का और बाप का प्रोडक्शन एंड टाइप रेट डाटा। देन अब बात करते हैं बुल के हेल्थ एंड फर्टिलिटी के डाटे के बारे में। स्टार्ट करते हैं सोमेटिक सेल स्कोर से। RZS मतलब सोमेटिक सेल स्कोर, तो इसकी वैल्यू 106 है, तो इसकी डॉटर को मस्टाइटिस नहीं आएगी। जिस गाय में मस्टाइटिस ज़्यादा हो रही है आप उसमें ये बुल यूज़ करें, जिससे आने वाली डॉटर में सोमेटिक सेल स्कोर अपनी माँ से कम होगा और मस्टाइटिस के केस देखने को कम मिलेंगे। 100 वैल्यू एवरेज को शो करती है और जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सोमेटिक सेल स्कोर जो कम होगा। इस बुल का डॉटर प्रेगनेंसी रेट और सायर कंसेप्शन रेट देखें तो वो है 110। तो इस बुल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जितना ज़्यादा DPR एंड SCR 100 से ज़्यादा होगा उतना प्रेग्नेंट होने का रेट ज़्यादा होगा और काबिंग के बाद काओ जल्दी हीट में भी आएगी। RZN मतलब फंक्शनल हर्ड लाइफ, वो है 121, मतलब ये बुल लॉन्जिविटी में काम करेगा। RZR मतलब डॉटर फर्टिलिटी, तो इसकी वैल्यू है 108, मतलब ये बुल फर्टिलिटी में काफ़ी अच्छा है। देन अब बात करते हैं बुल के लीनियर ट्रेट्स की। सबसे पहला है स्टेचर, जो कि बड़ा होगा। बुल से आने वाले बच्चे की हाइट काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है डेरी फॉर्म, जो कि पॉजिटिव में है। एनिमल्स की रिब्स का गैप ज़्यादा होगा, रिब्स एंगुलर होंगी, सभी उभरी हुई होंगी, जिससे एनिमल ज़्यादा दूध देगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, वो है स्लाइटली नेगेटिव, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी नेगेटिव में रहेगी। नेक्स्ट है बॉडी डेप्थ, जो कि ज़्यादा डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट है रंप विड्थ, ये पॉजिटिव में है, मतलब ये ज़्यादा ब्रॉड होगी। रंप एंगल नेगेटिव में है, तो इसकी डॉटर का रंप थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड होगा। लेग साइड व्यू एंड रेयर साइड व्यू सभी की वैल्यू पॉजिटिव में है। फुट एंगल भी पॉजिटिव में है एंड फीट एंड लेग स्कोर भी पॉजिटिव में है। मतलब जिस काओ में फीट एंड लेग्स का स्कोर कम है, आप इस बुल से फ्यूचर जनरेशन में स्कोर को पॉजिटिव ले सकते हो। अडर की अटैचमेंट एंड पीछे से हाइट और अडर की ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छी रहेगी। अडर क्लेफ्ट एंड डेप्थ एवरेज में रहेगा। बात करें टीट्स की, तो टीट्स का साइज छोटा रहेगा एंड टीट्स की प्लेसमेंट काफ़ी ही अच्छी रहेगी। ओवरऑल लीनियर ट्रेट्स, प्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी डाटा देखा जाए तो आप ये बुल ज़्यादा टीट लेंथ और ज़्यादा बॉडी डेप्थ और छोटे स्टेचर वाली काओ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आने वाला बच्चा अपनी मदर से सुपीरियर होगा। तो अब बात करते हैं इस बुल की प्रोजनी की। तो आप 20193 की प्रोजनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये बुल काफ़ी डोमिनेट है, क्योंकि काब्स का फिनोटाइप देखा जाए तो बच्चों का रंग रूप टोटली बुल की तरह आ रहा है। बुल की प्रोजनी दूध में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर बात करें इसकी मिल्किंग की, तो इसकी प्रोजनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें इसकी डॉटर्स ने फर्स्ट लैक्टेशन में 40 किलोग्राम तक दूध दिया है एंड सेकेंड लैक्टेशन में 53 किलोग्राम तक दूध दे रही है। ये जो आप प्रोजनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 40 किलोग्राम दूध निकाला है एंड ये अब सेकंड काविंग के लिए तैयार है। इसके काविंग को 10 से 12 दिन पेंडिंग है।
एंड ये है सेकंड प्रोजनी, इसने भी फर्स्ट लैक्टेशन में 38 किलोग्राम दूध निकाला है। ये भी सेकंड काविंग के लिए रेडी है। मिल्क की एवरेज देखी जाए तो 35 से 40 किलोग्राम फर्स्ट लैक्टेशन में आ रही है और सेकंड लैक्टेशन में 50 से 53 किलोग्राम तक आ रही है। तो जिन भाइयों के पास 20193 की मिल्किंग प्रोजनी है तो वो आगे इसमें डेनमार्क के किसी भी बुल का सीमन इंसेमिनेट करवा सकते हैं। और जिन भाइयों के पास डेनमार्क के किसी भी सीमन की प्रोजनी आ चुकी है या फिर जिन भाइयों ने डेनमार्क का सीमन तो यूज़ किया है पर उनको बुल का नंबर अभी याद नहीं है, वो भी इस बुल को यूज़ कर सकते हो और इन ब्रीडिंग से बच सकते हो। मतलब ये एक ऐसा बुल है जो आपके डेयरी फार्म की ग्रोथ को भी इन्हांस करेगा और इन ब्रीडिंग भी नहीं होने देगा, क्योंकि इस बुल की ब्लड लाइन काफ़ी हद तक मैच नहीं करती फील्ड में अवेलेबल बुल से। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज फार्म पर इन ब्रीडिंग का ही आ रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन ब्रीडिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि आप डेनमार्क के किस बुल की प्रोजनी को किस बुल का सीमन इंसेमिनेट करवा सकते हो। ये थर्ड प्रोजनी है जिसने सेकेंड लैक्टेशन में 53 किलोग्राम दूध निकाला है। तो ओवरऑल इस बुल की प्रोजनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं फार्म्स पर। तो आज के लिए इतना ही। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।